Hi guys, wish you a very very good evening. This is Mayushi Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 24th of October 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. So let's take it. The first news is based on Financial Action Task Force, that is FATF. Now you know very well that पिछले अभी कुछ time पहले ही पाकिस्तान को जो है grey list में डाला गया है FATF की. तो रिसेंटली FATF ग्रे लिस्ट को लेकर के और ये स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा 2021 तक. प्रपोजल फॉर ऑन साइट इंस्पेक्शन फेल हो चुका है. एंड व्हाट इट इज़ बेसिकली, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन फ्राइडे डिसाइडेड टू कीप पाकिस्तान ऑन इन द ग्रे लिस्ट. ग्रे लिस्ट में ही उसे कंटिन्यू करेंगे जब तक कि अगला कॉम्प्लायंस नहीं आ जाता, ठीक है. उसके अलावा रिकमेंडेशन जो है नेक्स्ट जो कॉम्प्लायंस आएगा वो रिकमेंडेशन के साथ में फैब तक आएगा नेक्स्ट ईयर 2021, तब तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा. पाकिस्तान हैज़ मेड प्रोग्रेस अक्रॉस ऑल एक्शन प्लान आइटम एंड नाउ लार्जली एड्रेस्ड 21 ऑफ 27 एक्शन आइटम्स एज ऑल एक्शन प्लान डेडलाइंस हैज एक्सपायर्ड. द FATF स्ट्रांगली अर्जेस पाकिस्तान टू स्विफ्टली कंप्लीट इट्स फुल एक्शन प्लान बाय फेब्रुअरी 2021, सेट ऑन FATF स्टेटमेंट इशूड इन पेरिस एट द एंड ऑफ द प्लेनरी सेशन. Now it is all about it that lack of action against charitable organization is here and that is linked to terror groups banned by the UN Security Council. जिन terror groups को UN Security Council ने ban कर रखा है उन्हीं के साथ में पाकिस्तान के जो है charitable organizations बने हुए हैं जो कि इस तरीके के terror groups की funding करते हैं. इसके अलावा delays on the prosecution of banned individuals such as Hafiz Saeed, Zaki उर रहमान, लखवी एंड मसूद अजहर, ये जितने भी बैंड इंडिविजुअल्स हैं, बैंड पर्सन्स हैं, उनके प्रोसिक्यूशन में जो है डिले देखने को मिला है पाकिस्तान की तरफ से. वहीं पे नॉन कंप्लायंस इन क्रैकिंग डाउन ऑन टेरर फिनेंसिंग इज आल्सो देयर थ्रू नारकोटिक्स एंड स्मगलिंग ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रीशियस स्टोन. सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से जहाँ पे पाकिस्तान अपने आप को डिलीवर करने में फेल हो गया है और इन्हीं सब चीज़ों के चलते, इन्हीं सब कारणों के चलते अल्टीमेटली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही कंटिन्यू करने का डिसीजन जो है FATF ने सुनाया है. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. आप सभी को पता है कि FATF ग्रे लिस्ट क्या है. ये वो लिस्ट है जिसके तहत उन सभी कंट्रीज को शामिल किया जाता है जो कहीं ना कहीं गलत तरीके की एक्टिविटीज में इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्टेड होती है. जैसे कि रिसेंटली पाकिस्तान को किस तरीके की जो है एक्टिविटीज में पाया गया है, बेसिकली उनको पाया गया है फिनेंसिंग, जो टेरर फिनेंसिंग है उसकी एक्टिविटीज़ के तहत, ठीक है. और उसी के चलते इन्हें इसे पाकिस्तान को बेसिकली FATF. सो द नेक्स्ट न्यूज इज बेस्ड ऑन दिल्ली एयर डिटेरियोरेट्स टू वेरी पुअर कैटेगरी. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू वर्सन फर्दर इन द नेक्स्ट टू डेज. इट इज़ सेट बाय सफर दैट इज बेस्ड ऑन द स्पेशली पॉल्यूटेड एरिया. ओके, सो वॉट इट इज, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू वर्सन द फर्दर इन द नेक्स्ट टू डेज. Delhi is in very poor category in the quality of air, which are the part of NCR. Basically deteriorated to the very poor category on Friday and it is according to the Central Pollution Control Board CPPCB का ये कहना है कि उनका जो डेटा रिलीज हुआ है फ्राइडे को उसके अकॉर्डिंग जो दिल्ली है वो अल्टीमेटली एक ऐसी कंट्री में इंक्लूड हो चुका है जहाँ पे पूरी तरीके से एयर की क्वालिटी एक वेरी पुअर क्वालिटी के बेसिस पे डिफाइन की जा रही है. द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली इज एक्सपेक्टेड टू डिटेरियोरेट फर्दर इन द नेक्स्ट टू डेज एंड एज पर गवर्नमेंट रन मॉनिटरिंग एजेंसी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च दैट इज सफर. सफ़र की फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च. ओके, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सफ़र. नाउ व्हाट इट इज़ बेसिकली, एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली इज़ हेयर, द स्टैटिक डेटा इज़ हेयर. नाउ दिल्ली इज़ 366, गुरुग्राम इज़ 334 एंड गाज़ियाबाद इज़ गेनिंग 344 एज वेल एज गाज़ियाबाद इज़ 360 एंड ग्रेटर नोएडा 381, नोएडा 369. यू कैन सी एवरी इंडिविजुअल पार्ट ऑफ दिल्ली एंड नियर बाय द दिल्ली all the conditions are very 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 poor. I can say severe, it is in nearby the severe condition. If the level is going through the 0 to 50 then it is the good quality of air, but it is going through the 51 to 100 then it is satisfactory, whereas the 101 to 200 data is getting a moderate level of pollution, whereas 201 to 300
category is in poor one, and very poor category is gaining 100, 300, 1 to 400, and severe one is 400 plus. Okay, so ultimately we can say that Delhi is in very poor category regarding air pollution. Okay, so Delhi government should work on air pollution. It should work on air clarification or something like that. Okay, the next is forex reserves hit record high of $555.12 billion. The country's foreign exchange reserves touched a lifetime high of अभी तक का जो है सबसे ज़्यादा लेवल पे जो है हाइट पर पहुँचने वाला फॉरेक्स देखा गया है. कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो करीब $555.12 billion तक पहुँच चुका है आफ्टर सर्ज्ड बाय दी $3.615 billion इन द वीक एंडेड अक्टूबर 16 अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा. इन द प्रीवियस वीक इट वाज एंडेड बाय 9th ऑफ अक्टूबर. फॉरेक्स had increased by $5.867 billion to reach $551.505 billion. During the latest reporting week, the rise in total reserves was due to the sharp rise in forex, that is foreign currency assets, FCAs. Now a major component of the overall reserves is FCA jumped by $3.539 billion to $512.322 billion. The data shows that FCA is continuously growing up. The effects of appreciation or depreciation of non-US is including in FCA. The next article is based on MPC vary of inflation, that is minutes according to minutes. Policy needs to stay accommodative amid COVID-19 threat to economy, said by RBI panel. Basically, मैं आपको बता देती हूँ इसका conclusion क्या है. ये article basically जो है RBI panel के through दिए गए कुछ indications को दर्शाता है. RBI panel ने recently ये बताया है कि जिस तरीके की condition चलती आ रही है और जिस तरीके की situation, ongoing situation जो है, अगर फिर से लॉकडाउन रखते हैं या जिस तरीके का स्पाइक हमें बताया जा रहा है कि नेक्स्ट फेस्टिव सीज़न के दौरान या उसके बाद में जनवरी तक देखा जाएगा जिस तरीके का स्पाइक अप, उसी तरीके के स्पाइक अप पे बेसिस अगर बात करते हैं तो COVID-19 की ये जो अप्स एंड डाउन की कंडीशन है, ये जो बढ़ता हुआ COVID-19 है, ये अपने आप में इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आया है. जैसा कि आप सभी को पता है इकोनॉमी फर्स्ट लॉकडाउन की वजह से ही काफ़ी डाउनफॉल हो चुकी थी और जो कंडीशन है हमारी इकोनॉमी की वो कहीं ना कहीं बूस्टअप करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा व सभी डिपार्टमेंट्स द्वारा, आमजन द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि इकोनॉमी अपनी ट्रैक पर आ सके. बट अल्टीमेटली जिस तरीके का लॉकडाउन और जिस तरीके की कंडीशंस पिछले कुछ टाइम में कुछ महीनों में देखने को मिली है कोविड के चलते, वो कंडीशन कहीं ना कहीं ओवरकम करने में हम लोग जो है कहीं फेल हो रहे हैं. और हालांकि सरकार अपने प्रयास कर रही है और इस पर जो कोशिश है वो जारी है, बट अल्टीमेटली इट इज़ नॉट अप टू द मार्क. रिजल्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क. सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल शोज दैट हाउ पॉलिसी नीड्स टू स्टे अकोमोडेटिव एंड किस तरीके की पॉलिसीज को वर्क करने की ज़रूरत है, किस तरीके से जो RBI है उनको खतरा है आने वाले टाइम में COVID-19 के बढ़ते हुए केसेस के चलते, और सेकेंड वेव जो आएगा COVID-19 का जो कि बताया जा रहा है जल्दी ही देखने को मिलेगा, वो अपने आप में एक बहुत ही क्रूशियल कंडीशन लेकर आएगा इकोनॉमिक की, है ना. सो इट इज़ ऑल अबाउट दी MPC एंड इट इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लेशन की कंडीशन जो ऑलरेडी अभी हैंडल कर रहे हैं काफ़ी नॉमिनल लेवल पे है, लेकिन इन्फ्लेशन की कंडीशन बनी हुई है और आने वाले टाइम में उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्तर पर हमारा जो है इन्फ्लेशन है वो रनअप कर सकता है. अब इन्फ्लेशन देखिए, डिफ्लेशन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन एक लेवल तक जाते जाते, एक नॉर्मल लेवल तक जाते जाते बहुत जो है सही होता है, ठीक होता है, बट अल्टीमेटली एक लेवल क्रॉस करने के बाद में इन्फ्लेशन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लग जाता है, और वही चीज़ रिसेंटली हमें COVID-19 के चलते इंडियन इकोनॉमी के अंदर देखी गई है ना, हमने देखा है उसे, रियलाइज़ किया है. सो अल्टीमेटली RBI इज़ गेटिंग थ्रेटन टू ऑल दी सिचुएशंस बिकॉज ऑफ COVID-19. अब ये डर बना हुआ है RBI को कि किस तरीके की इकोनॉमी को जो है वर्स्ट कंडीशन किस लेवल पे जा सकती है और किस तरीके की सिचुएशन को कैसे पॉलिसीज बना करके और मैनेज करने की ज़रूरत है, ठीक है. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. द नेक्स्ट आर्टिकल, लेट्स टेक इट. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन CVC amends SOP फॉर
procurement, maximum tenure of integrity, external monitoring restriction to 3 years. The Central Vigilance Commission, that is CVC, has amended the standard operating procedure, that is SOP, on adoption of Integrity Pact जो है उसके adoption के लिए SOP को amend किया गया है recently CVC द्वारा. In government organization for procurement activities के लिए ये step उठाया गया है and it has restricted the maximum tenure of IEMS, that is Integrity External Monitors, of 2-3 years in an organization. The latest order revises the SOP issued in January 2017 in para 5.2. The amendment or the amended provision states that the choice of IEM should be restricted to officials from the government and public undertaking. So ultimately we can say that जिस तरीके की जो conditions है external monitoring की, integrity external monitoring की, इसकी maximum जो tenure है उसे restrict कर दिया गया है. और recently CVC ने SOP जो है standard operating procedures जो है उनको adopt करते हुए integrity pact जो है उसको revise किया है. okay, उसको amend किया है basically. so maximum tenure जो है integrity external monitors का उसे restrict कर दिया है 3 years पर. okay, so it is all about it. The next article is based on Delhi's air deteriorates to very poor category. You know very well, हम इसे discuss कर चुके हैं पहले ही, यहाँ हमने इसे discuss किया है already. और अब हम बात करते हैं next article की. It is taking on the center. Now states aggrieved by central farm laws are adopting both legislative and legal measures. Punjab's efforts to enact state amendment to override the effects of the center's new agricultural laws. The issues also flags the consequences of not having a wide and informed debate before introducing far-reaching changes. Punjab has been hub of the opposition. आपको पता है कि farm laws को लेकर के जो काफ़ी level, काफ़ी हद तक जो है सभी states के अंदर opposition देखने को मिल रहा है. state governments काफ़ी level पर oppose कर रही है. पंजाब जो कि काफ़ी agriculture level का और farmers का hub भी है, वो अब ultimately hub बन चुका है opposition का. तो farm laws जो है उनको oppose करने के लिए सबसे ज़्यादा opposition जो देखा जा रहा है, maximum level पर negotiation जो देखा जा रहा है वो पंजाब में देखा जा रहा है. उसके अलावा सभी स्टेट्स कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आई कैन से नेगोशिएट तो नहीं, लेकिन हाँ अपोज जरूर कर रहे हैं उसे. और उनका जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं सेंटर पे भारी पड़ रहा है. तो अल्टीमेटली ये जो अमेंडेड लॉज हैं या ये जो अकाली दल जो है वो मेन अपोजिशन में है, और भी कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो NDA गवर्नमेंट जो है वो अपने आप में जो है उसके भी काफ़ी सारे ऐसे मेम्बर्स हैं जो कि अपोज कर रहे हैं. कैबिनेट में भी काफ़ी मिनिस्ट्री है जो अपोज कर रही है. हालांकि मेजॉरिटी के साथ इस बिल को क्लियर किया गया है, बट अल्टीमेटली स्टेट्स आर अपोजिंग, स्टेट गवर्नमेंट्स आर समवेयर अपोजिंग. एंड इवन इलेक्शंस को भी, रिसेंट इलेक्शन जो होने वाले हैं उन पर उसके बेसिस पर भी इस फार्म बिल को अपोज किया गया है, और इसके अपोजिशन की काफ़ी चर्चा देखने को मिल रही है. हम पॉलिटिकल व्यूज़ अगर लेते हैं तो अल्टीमेटली मैक्सिमम लेवल पर स्टेट्स इसे अपोज कर रही है. सो लेट्स सी कि सरकार को क्या इस लेवल पर अपोजिशन के बाद सरकार को ये बिल जो है या ये जो रिसेंट डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन को वापस लेना पड़ेगा, या सरकार इसे कंटिन्यू करेगी, और इसका प्रभाव अन्य आने वाले टाइम में अन्य सरकारों पर क्या पड़ेगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर क्या डिसीजन सुनाती है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा. बट अल्टीमेटली इट इज़ टेकिंग टू द सेंटर एंड स्टेट्स अग्रीव्ड ऑन दी बाय दी सेंट्रल फार्म लॉज आवर अडॉप्टिंग बोथ लेजिस्लेटिव एंड लीगल मेजर्स. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट्स ऑफ ऑल दिस अपोजिशन. नाउ अ मिस्टेक टू हैव लेफ्ट क्वाड सेज ऑस्ट्रेलिया. Envoy, however, notes that Australia's policy does not envision formalizing the grouping in any way. Australia should not have walked out of the Quad and subsequently the Malabar Excise with India. ऑस्ट्रेलिया को जो है मालाबार एक्साइज जो इंडिया के साथ चल रही थी उसे उस भी नहीं क्विट करना चाहिए था, और ना ही क्वाड को. ऐसा रियलाइजेशन अब ऑस्ट्रेलिया को हो रहा है. बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर जो है, जो कि इंडिया जो है हाई कमिश्नर, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया, बेरी ओफेरल सेड दैट वी हैव अ पॉजिटिव एजेंडा फॉर द क्वाड विच इज़ अबाउट शेपिंग द नेबरहुड इन विच वी लीव, अ फ्री ओपन एंड रेजिलेंट
Indo-Pacific, one where rules and norms apply and one where any disputes are resolved according to the international law. So somewhere India and Australia would continue talks on trade deals, although there would be delay until after the 15th National Regional Comprehensive Economic Partnership, that is RCEP. आपको पता है कि RCEP का जो हम कह सकते हैं membership जो है उसे accept नहीं किया था इंडिया ने. और इसके अलावा अगर हम बात करें क्वैड की, तो क्वैड अल्टीमेटली एक बहुत ही अच्छा संगठन है जिसे ऑस्ट्रेलिया जो है उसके उसके द्वारा ड्रॉप आउट करने का कहीं ना कहीं खेद भी है. ऑस्ट्रेलिया फिर से एक पॉजिटिव एजेंडा शो कर रहा है एंड इट वाज अ मिस्टेक लेफ्ट क्वैड सेज ऑस्ट्रेलिया. सो समवेयर वी कैन से दैट वी आर द पार्ट ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इम्पॉर्टेंट वी कैन से ग्रुप ऑफ मेम्बर्स एंड ग्रुप ऑफ कंट्रीज वेयर वी आर हैविंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी देयर. Because Australia, by seeing Australia and by looking at their position and looking at their conversation, we can say that they are very disappointed, or we can say very feeling so mistaken regarding Quad disqualification or Quad quitting. Okay, so they left the Quad and it was a mistake from that side, says Australia itself. ओके सो वी हैव डिस्कस्ड एवरी इंडिविजुअल टॉपिक. हमने सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स डिस्कस किए हैं. फर्स्ट टॉपिक जो है पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट पर बेस्ड था. FATF ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को 2021 तक जो है कंटिन्यू स्टे किया जाएगा, उसी के अंदर रखा जाएगा. फैब में जो है इसका रिविजन किया जाएगा. इसके अंदर जो कोई अमेंडमेंट जब किया जाता है ग्रे लिस्ट के अंदर फैब 2021 के अंदर, उस समय ये डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान को कंटिन्यू उसके अंदर करना है या नहीं. मेजर जो है डाउनफॉल्स या जो की पॉइंट्स है जहाँ पे जो डिलीवर करने में पाकिस्तान फेल हो गया, वो मैंने आपको अभी बताया है कि यूएन सिक्योरिटी टेरर ग्रुप्स जो है उनको बैन कर दिया, जिसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिन टेरर ग्रुप्स को बैन कर रखा है उसकी फंडिंग, उसके साथ में चैरिटेबल ट्रस्टिंग जो है वो पाकिस्तान द्वारा की जा रही थी. और जो मेन मेंबर्स है, जो इंडिविजुअल्स है जिन्हें बैन कर रखा है, जैसे मसूद अजहर, जाकिर उर रहमान और हाफिज़, इन सभी को जिनको बैन कर रखा था, उन सभी को भी पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा था, है ना. प्रोसिक्यूशन, इट वॉज द डिले इन प्रोसिक्यूशन रिगार्डिंग ऑल दीज मेंबर्स. So it is all about FATF grey list and what let's see what is to be the next. The next is based on the Delhi's air deteriorates, that is to be in, that is included in the poor, very poor category. एंड जो सफ़र है उसके अकॉर्डिंग टू सफ़र इट इज़ सेट दैट दिल्ली की जो कंडीशन है वो अगर इसी तरीके से चलती रही तो आगे आने वाले दो दिनों के अंदर इससे भी बुरी कंडीशन हो जाएगी. और ऑलरेडी दिल्ली अपने आप में पोल्यूशन को लेकर के काफ़ी लाइमलाइट में रहता है, तो इस सब सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली को पोल्यूशन कंट्रोल के तहत वर्क करना होगा. पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली शुड वर्क ऑन देयर पोल्यूशन, ओके, and their pollution related issue, or we can say they should work on their category of very poor, okay, regarding air quality. And the next news was based on forex reserves hit records. It is by $555.12 billion, jo pehle 3.615 billion tha wo ab 555.12 billion dollars ho chuka hai. तो फॉरेक्स काफ़ी हद तक अपने आप को काफ़ी शॉर्ट टाइम के अंदर काफ़ी लंबे समय अब तक के हाइट पर देखा गया है फॉरेक्स को. सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन आरबीआई एंड इन्फ्लेशन. जिस तरीके की कंडीशन कोविड के चलते देखी गई है, जिस तरीके की कंडीशन इकोनॉमिक डाउनफॉल जो देखा गया है कोविड के चलते, वो इन्फ्लेशन को लीड कर रहा है. और इसकी चिंता कहीं ना कहीं आरबीआई को भी है कि उन्हें ओवरकम करने में, सिचुएशन को कंट्रोल में लाने में काफ़ी लंबा समय लग गया था. और अब जब साइंटिस्ट और अन्य जो मेंबर्स है, एक्सपर्ट्स के जो पैनल है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि सेकेंड वेव जो है कोविड 19 की वो भी जल्दी ही आएगी, तो उसके आने से पहले ही आरबीआई को इस बात का डर है, इस बात की पॉलिसीज़ पर वर्क करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस सेकेंड वेव के थ्रू जो डाउनफॉल ऑलरेडी हम जिसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं और ज़्यादा डाउनफॉल ना हो जाए, हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा डाउनफॉल ना हो जाए और इन्फ्लेशन रेट हाई ना हो जाए, जिसको हम कंट्रोल में ही ना ला पाएँ. तो ये सारी सिचुएशंस को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया है एंड इट इज़ ऑल डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. एंड डिसेंट नोट जो है उसे भी यहाँ डिस्कस किया गया है. वन ऑफ द न्यू एक्सटर्नल मेंबर दैट इज़ जयंत वर्मा एडेड अ डिसेंट नोट एज
as a part of his minutes. He agreed with the MPC's intention to keep policy accommodative during the current financial year and into the next financial year. He said, but he opposed using the word decided. Okay. They will work on it. They will try to do the their intentions are there. They will try to manage the situation, but they don't want to use the word decided. Okay, so it is all about it, because कहीं ना कहीं decided जैसी condition में हम अभी नहीं हैं, जैसा कि COVID-19 की condition है और आने वाले time में उसकी second wave क्या लेकर आती है, ये सारी चीज़ें तो बाद में पता चलेगी, लेकिन उससे पहले हम सिर्फ पॉलिसीज़ बना सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं. इसके अलावा कोई डिसाइडेड स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं दे सकते हम. ठीक है. Now it is next is based on Central Vigilance Commission, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, that standard operating procedure जो है वो अडॉप्ट किया गया है, उसके तहत जो इंटीग्रिटी पैक्ट अडॉप्ट किया गया है उसके अंदर अमेंडमेंट के बारे में डिस्कशन किया गया है. यहाँ पे इसके तहत मैक्सिमम टेन्योर जो है इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स का वो रेस्ट्रिक्ट करके 3 years तक कर दिया गया है. ठीक है. द नेक्स्ट इज जो हमने नेक्स्ट 2 articles देखे वो बेसिकली एडिटोरियल पर बेस्ड थे. दोनों ही एडिटोरियल्स हैं. एक बेस्ड है फार्म्स लॉ को, जिसको अपोज किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा, स्पेशली पंजाब द्वारा, जिस लेवल पे अपोज किया जा रहा है उसको देखते हुए सरकार को कुछ ना कुछ बदलाव करने की ज़रूरत लग रही है. इवन जिस तरीके से सारे स्टेट्स, काफ़ी हद तक स्टेट्स उसे अपोज कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स अपोज कर रही है, अब उसमें बदलाव की ज़रूरत दिखाई दे रही है. अब उसके तहत सरकार क्या लिबरलाइजेशन शो करती है, क्या चेंजेस शो करती है, या एज इट इज़ कंडीशंस को लेकर जाती है, ये सारी चीज़ें हमें आने वाले टाइम में पता चलेगी. ठीक है. द नेक्स्ट आर लास्ट आर्टिकल वॉज बेस्ड ऑन क्वाड. ऑस्ट्रेलिया इज फीलिंग ग्रीव्ड रिगार्डिंग क्वाड. दे लेफ्ट द क्वाड, इट वॉज अ मिस्टेक फॉर दैम. सो दिस इज़ बेसिकली द स्टेटमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया. उनका ये कहना है कि इवन ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल्स का भी ये कहना है कि दे आर फीलिंग दैट दे हैड अ मिस्टेक टू हैव लेफ्ट क्वाड. Okay, so it is all about it. Now we can say that what we have the opportunity to be a part of Quad, and we are very happy to be a part of Quad, because somewhere Quad अपने आप में एक ऐसे countries का organization है जो कहीं ना कहीं positive way में grow कर रहे हैं, and to being a part of growing nations, it is such a very nice opportunity for us. So this was all for today. Thanks for being with me. Thanks for watching. Bye bye. Take care. Have a great time ahead. We'll see you soon. Buy next surprises.